जिला सैनिक बंधुओं की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि सैनिक बंधु समस्याओं का निराकरण संबंधित अधिकारी प्रमुखता के आधार पर करें। जिलाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना तथा उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर्विस मेंबर कौन उसके पास आया था तकरीबन कितना 90% मुझे रेवेन्यू से निकलोग है जिसमें तीन प्रॉब्लम हमें आया सर। एक तो हथियार का जो है रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर उसमें दिक्कत आ रहा है, एक प्रॉब्लम है सर। दूसरा सर एक प्रॉब्लम की नान अंडिया यूनिक आईडी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक यूनिक आईडी नहीं है तो आपको मिलेगा, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिक आईडी है नहीं तो फिर वो समाप्ति माना जाता है मजबूरी है। इसके बाद यूनिक आईडी कृपया करके सूची बना के दे दें। सर नहीं सर वहाँ स्वयं गया था मैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिला था। दो साल से बंद है ना साइट, अब कैसे मिलेगा आपका? आपको पहले लेना चाहिए था सर। यूनिक आईडी अभी नया जिसमें कोई फायदा नहीं है। साइट खोलने का इंतजार करिए, साइट खोलेंगे नहीं तो फिर तो यूनिक आईडी नहीं तो मैं सहयोग ही नहीं कर पाऊंगा। दे रहे हैं बट कोई तो बता दी संज्ञान में है, बहुत लोग आते हैं बिना यूनिक आईडी के, आप सहयोग नहीं कर पाता हूँ। यूनिक आईडी पोर्टल है ना, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, दो साल पहले उन्होंने बंद करा दिया। दूसरा प्रॉब्लम है सर जो एक्सरसाइज में जो पुलिस फोर्स में जो भर्तियां निकली जा रहा है ये फिजिकल स्टैंडर्ड में सब छूट नहीं। आए थे मिले थे, हमने भी रेफर किया यार, उससे कुछ लोग कभी जल्दी लेके आए थे, उसके नियमावली में लिखा भी हुआ है बट वो केस में केस देखने के लिए बात चल रही थी, आप लोग सामूहिक चाहते थे। हमने बताया था लखनऊ में जो आपका सैनिक कल्याण डायरेक्टर साहब के माध्यम से अप्रोच करे सांसद, आप लोग गए कि नहीं? ठीक है, आपके क्या बैकलॉग है अभी? जो लड़के लोग जो भर्ती के लिए जा रहे थे उन्हीं पर सारा पेपर दे दिया हमने। अभी किसी का यार व्यक्तिगत मसला फंसा है तो हमें दे रही, तो शायद चालू हो गया होगा वो एंट्रेंस एग्जाम, तो हो गया होगा शायद परीक्षा हो गया फिजिकल अभी रह गया अगर रिजल्ट निकलने वाला सर उसका। यहाँ शासनादेश कहता है